Find the point on the curve y equal to x cube plus k1, where the tangents is parallel to the chord joining the point this and this. चलिए अब इसके लिए भी देख लेते हैं यहाँ पे. हमारे पास ले देते हैं कि let y equal to में आपका fx, यानी कि fx का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा x cube plus k1. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है कि the tangent to the curve is parallel to the chord joining the point 1, 2 and 3, 28. ठीक है, therefore fx equal to में क्या हो जाएगा x cube plus 1 at the point ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल होगा 1 से 3. ठीक है, अब इसके बाद कि एक कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम जानते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा. द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल so fx equal to जो फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 3 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3. ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा तो आप लिख सकते हैं therefore मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल. ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम जब एप्लीकेबल हो गया, आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस का 1. ठीक है, अच्छा तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे एफ वन के वैल्यू की, एफ वन का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 आया है और एफ थ्री का वैल्यू 28 है. आप रख के भी देख सकते हो 28 ही आएगा. और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका 3x² यानी कि एफ डैश सी भी हो जाएगा 3c². अब यहाँ पर लिखते हैं बाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू में एफ थ्री माइनस का एफ वन बाई में 3 - 1 यानी 3c² इक्वल टू में हो जाएगा 28 माइनस का 2 और बाई में 2, नीचे 2 हो जाएगा. 3c² इक्वल टू में ऊपर कितना आ जाएगा 26 और बाई में 2 काट देंगे 13. c² इक्वल टू में 13/3 यानी c इक्वल टू में आ जाएगा +√13/3. तो इसमें हम लोग छोड़ देते हैं ना माइनस वाले को, है ना, c इक्वल टू √13/3 जो है यही बिलोंग कर रहा है आपके किससे, इंटरवल जो दिया था आपका 1 से 3 में, है ना जी, 1 से 3 में. बट c इक्वल टू में माइनस में जो दिया है -√13/3 नॉट बिलोंग्स टू 1, 2, 3. तो यहाँ पे एक ही यही लेते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी दो लिए थे लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है, हम लोग निगेट जो बिलोंग ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा है उससे. चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए तो आपके पास एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 है, यानी कि एफ सी क्या होगा जो कि हो जाएगा एफ √13/3 के इक्वल, जो कि हो जाएगा √13/3 का पूरे पे रूट है क्यूब प्लस 1 यानी आ जाएगा 13/3 का पावर 3/2 + 1. दस सी कॉमा एफ सी जो पॉइंट होगा यानी दैट इज सी का वैल्यू √13/3 और एफ सी का वैल्यू 13/3 का पावर 3/2 + 1. ठीक है, ये ना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही होगा, लिख सकते हैं कि इज अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरलर टू द कोड
टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन कौन सा था जी पॉइंट, दो को पॉइंट था, एक था 1, क्या था देख लेते एक बार, 1, 2 और दूसरा था 3, 28, 1, 2, 3, 28 यही ना था जी, 1, 2 and 3, 28। तो आज की क्लास में इतने रन देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर चेंज करेंगे सब्सक्राइब, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।